हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने लैपटॉप का पिन या अपने कंप्यूटर का जो है आप पिन भूल चुके हैं तो कैसे जो है आप अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप को दोबारा से ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कंप्यूटर का तरीका जो है अलग रहता है और लैपटॉप का तरीका अलग होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में जो तरीका है वो सेम है। ठीक, तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो दिखाई देता है, हमको जो है हमारा पिन पता नहीं है। तो सबसे पहले जो है आपको करना क्या है कि आपको अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में जो है इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा। आप ईथरनेट से इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई से कर सकते हैं, या अगर आप यूएसबी टेदरिंग से जो है इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जो है इंटरनेट कनेक्ट कर लीजिए। तो मैं जो यहाँ पे वाईफाई से जो है कनेक्ट करने वाला हूँ, तो थोड़ी सी जो हम जूम कर देते हैं और आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो है ना आपको इंटरनेट का ऑप्शन देखने को जो यहाँ पे मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। वाईफाई जो यहाँ पे चालू कर लेना है। चालू करने के बाद जो भी आपने हॉटस्पॉट चालू किया है उससे जो है आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को कनेक्ट कर लीजिए। तो हम जो है यहाँ पे अपना हॉटस्पॉट चालू किए हैं, उससे जो है हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर में जो है इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद जो है अब आपको क्या करना है, अब जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आई फॉरगेट माई पिन, ये वाला जो है आपको ऑप्शन जो है नीचे की तरफ जो देखने को मिल जाएगा, इस पे जो है आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी जो है आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए जो है हम यहाँ पे इंतज़ार कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा और आपका ईमेल आईडी जो है यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है उस ईमेल आईडी का पासवर्ड। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को जो है दोबारा से पा सकते हैं। वहाँ पे जो है आपसे पूछेगा कि आपका जो है मोबाइल नंबर का लास्ट नंबर क्या था, ये सब चीज़ें जो है पूछता है, और आप जो है अपने पासवर्ड को जो है रीसेट कर सकते हैं। तो हमको जो है हमारा यहाँ पे पासवर्ड पता है, तो यहाँ पे जो हम अपना इस ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है, आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का पासवर्ड, वो जो है यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो दोस्तों हमने जो है यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। डालने के बाद जो आपको साइन इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो है आपको टेक्स्ट और आपके मोबाइल का लास्ट दो नंबर जो यहाँ पे लिखे होंगे, तो इस पर जो आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे बोलेगा कि भैया आप अपने मोबाइल के चार अंक, लास्ट के चार अंक जो है यहाँ पे टाइप करिए। ठीक है, तो ये वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर का जो चार अंक है उसको जो है यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। तो हमारा जो मोबाइल नंबर है जिससे हमारा ईमेल आईडी बना था उसका जो नंबर है वो है 0334। तो यहाँ पे जो मैंने टाइप कर दिया है, टाइप करने के बाद जो है सेंड कोड का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके उस सिम पे जो है चार अंकों का, नहीं चार अंकों का नहीं, करीबन जो है यहाँ पे 3 3 5 5 3 5 2 1 8 3 3 5 2 1 8, तो यहाँ पे जो है 6 अंकों का जो है हमारा ओटीपी आया है। तो उस ओटीपी को जो है आपको सिंपल यहाँ पे जो है लिख देना है। लिखने के बाद जो यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ी सी जो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपने नए पिन का क्या जो है पिन रखना चाहते हैं, तो जो भी आप पिन रखना चाहते हैं चार अंकों का उसको जो है यहाँ पे टाइप कर देना है। तो मैं लिख देता हूँ 1900। ठीक है, यहाँ पे हमने पिन टाइप कर दिया। फिर उसी पिन को जो है दोबारा एक बार फिर से बोल रहा है कि भर दीजिए, तो 1900 यहाँ पे जो है हमने टाइप कर दिया। फिर उसके बाद जो आपको करना क्या है कि यहाँ पे ओके का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो थोड़ी सी जो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, हमारा जो लैपटॉप है वो यहाँ पे चालू हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक, तो दोस्तों कुल मिलाकर इस तरीके से जो है अगर आप अपने लैपटॉप का पिन भूल गए हैं तो इस प्रकार से जो है आप अपने लैपटॉप के पिन को रीसेट कर सकते हैं, दोबारा से जो है पा सकते हैं, अपने लैपटॉप को अपने कंप्यूटर को ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही था। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। कुछ भी सवाल रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं।